तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो बहुत ही आसानी से विद अ फ्री सॉफ्टवेयर। कोई वाटरमार्क नहीं आएगा एंड कोई भी 10 मिनट के अंदर अपनी फेवरेट गेम्स स्ट्रीम कर सकता है या फिर अपनी ऑडियंस से भी इंटरेक्ट कर सकता है। जो भी आप लाइव स्ट्रीम पर करना चाहते हो कर सकते हो बहुत ही आराम से। लेट्स सी हाउ। तो इस पूरे लाइव स्ट्रीमिंग के प्रोसेस को सुपर सिंपल और आसान बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ फ्री सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्रिज्म लाइव। अब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। ये प्रिज्म लाइव स्टूडियो की वेबसाइट है और यहाँ आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो प्रिज्म लाइव को अपने पीसी के लिए। प्रिज्म लाइव एक फोन ऐप भी बनाते हैं विच हेल्प्स यू टू लाइव स्ट्रीम थ्रू योर फोन। उस पर वीडियो देखना चाहोगे तो डू लेट मी नो। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हो एंड डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप सीधा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो जैसे आप कोई भी और सॉफ्टवेयर खरीदते हो। इंस्टॉल होने के बाद यू विल गेट दिस स्क्रीन ऑफ एलिवेट योर लाइव स्ट्रीम। सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक ये बताना चाहूंगा प्रिज्म लाइव स्टूडियो एब्सोल्युटली फ्री है एंड इसमें काफी ऐसे तगड़े फीचर्स हैं दैट एक्चुअली मेक इट वे मोर यूजफुल देन इवन OBS। एंड तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद और लॉग इन करने के बाद आपके पास सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड अगर आपने OBS यूज किया है बहुत ज्यादा सिमिलर है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माई चैनल वाले टैब से। इस पे जो तीन डॉट है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप एड चैनल्स पे जा सकते हो एंड आप यहाँ चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ स्ट्रीम करना है। अब आप डायरेक्ट YouTube पे क्लिक करके अपने चैनल से साइन इन मार सकते हो। बट अगर आप लॉग इन नहीं करना चाहते इनटू द सॉफ्टवेयर देयर इज अनदर मेथड यूजिंग एड कस्टम RTMP। और ये कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अगर आप उन लोगों में से हो जिनको अपना YouTube या कोई भी गूगल अकाउंट नहीं साइन इन करना ऑन अनदर सॉफ्टवेयर। वैसे तो काफी सिक्योर है बट ये और ज्यादा सिक्योर है। अब आपके सामने जब आप सॉफ्टवेयर खोलोगे ऐसे दो विंडोज बनी हुई होंगी। इसको अभी थोड़ा ईजी करने के लिए हम ये बटन दबा के एक विंडो बना देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक हो रखा है क्योंकि कोई भी हमने सीन नहीं सेटअप किया। आपका सीन जो भी आप स्ट्रीम पे दिखाना चाहते हो वो चीज होती है। तो इससे पहले हम कोई भी फुटेज डाले फेस कैम डाले कुछ भी डाले वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी स्ट्रीम हमारे हिसाब से सेटिंग्स हो रखी हैं। तो यहाँ नीचे जो सेटिंग्स है यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है आपके पास। सबसे पहले तो आपको जाके एनेबल वाटरमार्क को ऑफ कर देना है। इसको आप ऑफ करोगे तो आपकी वीडियो पे कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। ऑन रखोगे तो वाटरमार्क आ जाएगा। अब अगर हम जाएं आउटपुट वाले सेक्शन में तो ये पूरा डिसाइड करता है आपकी स्ट्रीम किस क्वालिटी में जाएगी। ये बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन में आपको वो दिखाना है जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रीम 1080p में हो तो ये 1080p होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ 720p में हो तो ये 720p होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आपका पीसी कितना अच्छा है आपका इंटरनेट कितना अच्छा है। मोस्ट लोग मेरा इंटरनेट अच्छा है 1 GBPS है तो मैं 1080p पे स्ट्रीम कर सकता हूँ। बट आप 1080 या 720p रख सकते हो। डाउन स्केल फिल्टर में बाई क्यूबिक एंड लैंक्सोज में से चूज कर सकते हो। इसके ऊपर आप अलग वीडियोस देख सकते हो। मोस्ट लोग के लिए लैंक्सोज इज अ बेटर वन एंड कॉमन FPS वैल्यू इज आप कितने FPS पे स्ट्रीम करना चाहते हो। गेमिंग यूजली 60 FPS में होती है। अगर आप 60 करना चाहते हो आप 60 कर सकते हो। ऑल्दो 30 इज स्लाइटली ईजियर ऑन योर PC। अगेन आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो कि आपकी इंटरनेट स्पीड जितने भी MBPS पे है उसके लिए बेस्ट स्ट्रीमिंग सेटिंग्स क्या है। अब इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए हम आउटपुट मोड को सिंपल रखेंगे। ऑल्दो अगर आप थोड़े से भी सीरियस अबाउट स्ट्रीमिंग तो आप इसको एडवांस्ड पे जाके यू कैन सेट एवरीथिंग प्रॉपरली। बट फॉर मोस्ट पीपल जो शुरू कर रहे हैं हम सिंपल पे रखेंगे। अब वीडियो का बिट रेट भी आपके इंटरनेट पे मैटर करता है। इसको आप 6000 से 9000 के बीच में रख सकते हो। यूजुअली 8000 मोस्ट लोगों के लिए एक अच्छा स्वीट स्पॉट है। आप अपने इंटरनेट के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से देखिए आपके लिए क्या बिटरेट सही रहेगा। अब यहाँ पे इनकोडर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे हार्डवेयर NVENC एंड सॉफ्टवेयर X264। एंड अगर आप NVIDIA ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो यूज हार्डवेयर NVENC। एनीथिंग एल्स जस्ट यूज सॉफ्टवेयर X64। हम NVIDIA ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो हम NVENC में रहेंगे। एंड यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग जो अगर आप इस सॉफ्टवेयर पे स्ट्रीम या रिकॉर्ड भी कर सकते हो तो आप अपनी रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स यहाँ डाल सकते हो। अब इसके बाद आप अपने ऑडियो में जाकर डेस्कटॉप ऑडियो माइक्स अगर मल्टीपल माइक्स है वो सेटअप कर सकते हो। विजुअल में आपका बेस कैनवस एंड आउटपुट कैनवस। बेस कैनवस होता है आपकी डिस्प्ले। अगर मैं 1080p मॉनिटर पे सब कुछ देख रहा हूँ तो 1080p मेरा बेस है एंड आउटपुट जिस पे जाएगा सब कुछ वो अब अगेन एज वी टॉक्ड या तो 720p या 1080p फॉर मोस्ट पीपल ही रहेगा। ये चीज़ थोड़ी एडवांस्ड है इन पे ना ही घुसे तो बेटर है। बाकी इसे अप्लाई कर दो एंड यू आर रेडी टू स्ट्रीम। अब हमें अपनी सीन्स को सेटअप करना है। तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रीम में मेरा फेस कैम रहे इन द स्ट्रीम तो ऑल आई नीड टू डू इज गो हियर अपने सीन वन में गो इन टू सोर्सेज एंड एड वेब कैम और वीडियो कैप्चर डिवाइस।
तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मैं आ रखा हूँ इनसाइड प्रिज्म लाइव स्टूडियो एंड दिस इज व्हाट आई लुक लाइक। अभी ये मेरा कैमरा सोर्स है। अभी यहाँ पे हम जाके सीन वन को रीनेम कर सकते हैं फेस कैम। अभी मेरा फेस कैम वाला सीन हो गया, तो जब भी मैं स्ट्रीम करना चाहता हूँ ये मेरा फेस कैम है, इस पर क्लिक करूंगा और ये वाली स्क्रीन जो आप देख रहे हो एग्जैक्टली ऐसे ही दिख जाएगी लोगों को। बट मोस्ट लोग गेमिंग करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो लेट्स मेक अ गेमिंग वाला सीन। तो हम प्लस करेंगे यहाँ पे, सीन टू का ऑप्शन है, इसको हम कर देंगे गेम स्क्रीन एंड ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम नीचे मैं हूँ, बट वी नीड टू शो अ गेम। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे सोर्सेज में, क्लिक करेंगे प्लस एंड यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से वी कैन चूज अ विंडो कैप्चर। तो यहाँ विंडो कैप्चर खुल गया है, आई कैन चूज एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो अभी खुले हुए हैं। मैं यहाँ पे वैलोरेंट खोल लेता हूँ एक गेम, क्योंकि मोस्ट लोग गेम ही रिकॉर्ड करने वाले हैं या स्ट्रीम करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वी हैव वैलोरेंट एज एन ऑप्शन नाउ। तो हमने वैलोरेंट चूज करके ओके कर दिया, तो ये मेरी गेम अभी इधर आ रही है। बट हम चाहते हैं मेरा फेस कैम भी इसके ऊपर रहे, तो हम वापस प्लस दबाएंगे, वेब कैम वीडियो कैप्चर डिवाइस ओके एंड यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग एंड ये जो हमने पहले वेब कैम बनाया था उसको यहाँ ऐड कर देंगे एंड इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, तो हम इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम अपनी स्क्रीन पे लगाना चाहे वहाँ पे अपना फेस कैम ऐसे लगा सकते हैं। अब आप देखोगे कभी कभी ये मूव हो जाता है पीछे, वी डोंट वांट दैट टू हैपन, तो हम बस विंडो कैप्चर पे जाके इसको लॉक कर देंगे। मैं कुछ भी करूँ वो मूव नहीं करेगा। अब देखो जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या ऐसा कॉन्टेंट बनाता हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर कैमरा है एज अ वेब कैम, एंड काफ़ी लोगों के पास अच्छे वेब कैम होते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोगों के पास वेब कैम नहीं होता और यही एक रीज़न है कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते। प्रिज्म लाइव स्टूडियो में एक ऐसा फीचर है जो आपके फ़ोन को ही एक वेब कैम बना देता है। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली अपने आईफोन के ऐप स्टोर या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से प्रिज्म लाइव स्टूडियो का ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद सिंपली कम इन टू प्रिज्म लाइव स्टूडियो ऑन योर डेस्कटॉप, यहाँ पे सोर्स ऐड करो और यहाँ ऊपर लिखा होगा प्रिज्म मोबाइल, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड इट विल आस्क यू टू क्रिएट दिस, क्लिक ओके, एक बार कोड आ जाएगा, सिंपली अपना कोड स्कैन कर लो एंड कुछ ऐसा सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड उसके बाद मेरे पास मेरा फोन एक वेब कैम बन गया है। थोड़ा डिले हो सकता है पर बढ़िया काम करता है, काफी ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो ये वाला कैमरा मेरा मेन कैमरा है, मेरा DSLR मिररलेस कैमरा है और ये मेरा आईफोन है अभी एंड काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है एज यू कैन सी। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो इसको रियर कैमरा पे भी फ्लिप कर सकता हूँ और कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन का रियर कैमरा भी यूज़ कर सकता हूँ फॉर इवन बेटर क्वालिटी। हाँ बट ये बात है कि क्योंकि वीडियो और ऑडियो में थोड़ा डिले हो सकता है तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी और छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, बट ये ऑप्शन है एंड दैट इज़ ग्रेट। अब आप देख सकते हो मेरे इस तरफ थोड़ा ज़्यादा जगह है, तो इसको कम करने के लिए सीधा मैं ऑल्ट को होल्ड करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा, तो मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ दोनों तरफ से एंड सिंपली खुद को कहीं पे भी रख सकता हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो इस पर सीधा राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। अब मैं उस तरफ देख रहा हूँ तो फिर मैं इसको इधर भी रख सकता हूँ ताकि मैं गेम के अंदर देख रहा हूँ और ऐसा ना लगे मैं गेम के बाहर देख रहा हूँ। अब सिंपली अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फेस कैम पे क्लिक कर सकता हूँ, मेरा फेस कैम आ जाएगा एंड अगर मैं गेम पे क्लिक करूंगा तो सीधा गेम पे आ जाएगा। बट इसके बीच में एक ट्रांजिशन वुड बी नाइस ताकि इतना हार्श ना लगे किसी को भी। तो हम यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक करेंगे एंड एक फेड डाल सकते हैं, दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग वन कैन डू, ताकि अब जब मैं फेस कैम पे क्लिक करूँ तो ऐसे हल्का सा प्यार से आए, ये क्लिक करूँ तो हल्का सा प्यार से आए। अब आप गूगल यूट्यूब से कहीं से भी स्ट्रीम के ओवरलेज, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, वो सब चीज़ें डाल सकते हो। यू कैन मेक अ न्यू सोर्स ओवर हियर कॉल्ड स्ट्रीम स्टार्ट एंड उसको ओके करके आप सीधा शुरू में डाल सकते हो एंड यहाँ पे आप सीन्स में जाके प्लस करके यू कैन सीधा ऐड अ वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो और म्यूजिक वाला ऑप्शन, आप सीधा यहाँ वीडियो या फिर म्यूजिक ऐड कर सकते हो एंड ये आपको अलाउ करेगा कोई स्ट्रीम स्टार्टिंग सून ऐड करने के लिए। तो अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट स्ट्रीम स्टार्टिंग सून लगाना है तो वी कैन जस्ट ऐड इट टू अनदर सीन एंड उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक इंट्रो आ जाएगा। बट हाँ, यू नीड टू मेक श्योर जब भी आप ऐड करोगे तो डबल क्लिक ऑन दिस, लूप कर दो एंड रीस्टार्ट प्लेबैक व्हेन सोर्स बिकम्स एक्टिव, ताकि जब भी ये बंद हो तो वापस शुरू हो पाए। तो कुछ इसी तरीके से आप अपनी बेसिक स्ट्रीम सेटअप कर सकते हो। वापस अगर हम इस गेम वाली स्क्रीन पे, इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रिज्म लाइव स्टूडियो में जो OBS से इसको बेटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो भी माइक है, ये बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा कॉल टर्न ऑन RNN नॉइज, तो अभी आपको एक डेमो देने के लिए कि इस सॉफ्टवेयर का नॉइज कैंसिलेशन कितना पावरफुल है, 5 सेकेंड मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट हियर माई रूम विदाउट
एनी इफेक्ट्स। अब मेरे रूम में कोई भी साउंड नहीं है, बट शायद आपको पीसी तक की साउंड आ रही हो एंड वो साउंड पिकअप हो जाती है। बट चलो थोड़ा और शोर मचाते हैं। आई एम गोना एक्चुअली प्ले दिस ऑडियो फ्रॉम स्पॉटिफाई, विच आई होप मुझे कॉपीराइट ना लगे इसके लिए। दिस इज फ्रॉम स्ट्रीम बीट्स। आई एम गोना प्ले दिस एंड यू कैन प्रॉबेबली हियर दैट। अब मैं यहाँ जाके ये बटन दबाने वाला हूँ टू टर्न ऑफ द नॉइज, एंड अब जब मैं बोलूंगा सिर्फ तब ऑडियो आएगी। एंड आई मीन दैट्स प्रीटी नीट। ये ऑलमोस्ट हर टाइप की नॉइज को उड़ा ही देता है। इसको ऑन करके आप पूरी बैकग्राउंड नॉइज उड़ा सकते हो एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। साथ साथ में देयर्स अ फ्यू मोर फीचर्स जैसे कि कॉल्ड वर्चुअल बैकग्राउंड। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मैं अपने पीछे ब्लर डाल सकता हूँ। आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ वेरी गुड कैमरा राइट नाउ, बट एक बैकग्राउंड ब्लर इससे आ जाता है। इसको जीरो करूँ अगर, एंड अगर फुल करूँ आपको शायद डिफरेंस दिख जाए। ऐसे बैकग्राउंड्स लगा सकते हो इफ यू वांट टू। तो दिस इज काफी नीट। एक रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है इफ यू वांट टू डू दैट, बट कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड इफ आई यूज दिस तो काइंड ऑफ मैं अपनी ही सेटअप में एक कटआउट बन गया हूँ। बट इट्स काइंड ऑफ नाइस कि ऐसे फ्री फीचर्स भी काफी काफी पावरफुल है। एक और काफी अच्छा फीचर इज कॉल्ड प्रिज्म स्टिकर। इफ यू क्लिक ऑन दिस आपको काफी सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन यूज दी स्टिकर्स इन योर वीडियोज। जैसे कि लुक एट दिस वन, ये एक स्टिकर है, इसको आप मूव अराउंड कर सकते हो, आप इसको कहीं पे प्लेस कर सकते हो एंड आपकी स्ट्रीम में आता जाता रहेगा इफ़ यू वांट टू। इसको फिर हम बस डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ ब्यूटी इफेक्ट्स भी है, इसको अगर हम ऑन करें एंड हमारी शक्ल बड़ी कर दें अभी के लिए, तो आप देख सकते हो कि ब्यूटी इफेक्ट्स से बेसिकली वी कैन चेंज माई फेस टू क्यूट शार्प, ये चीज़ें कर सकते हो। आइडियली आई डोंट थिंक यू नीड इट, बट इट्स काइंड ऑफ नाइस टू हैव इफ यू वांट इट। इसको ऑफ कर देते हैं। अब कोई भी लाइव स्ट्रीम करने के लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहता है कि आप ये पूरा सॉफ्टवेयर अपने सेकंड मॉनिटर पे रखो अगर पॉसिबल, वरना आप एक मॉनिटर पे भी कर सकते हो, बट हाँ स्ट्रीम पे चीजें दिखती हैं। आप काफी चीजें कीबोर्ड पे भी प्रोग्राम कर सकते हो कि आपके सीन्स बदलते रहे विद योर कीबोर्ड। बट उसी के साथ साथ अब द क्वेश्चन इज हाउ डू यू एक्चुअली लाइव स्ट्रीम। हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है, बट हम लाइव स्ट्रीम कैसे करें? अब आप माय चैनल पे जाके सेटअप कर सकते हो। यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट एंड सीधा क्लिक ऑन गो लाइव एंड आपके अकाउंट पे लाइव हो जाएगा। बट वील चूज द थोड़ा बेटर वे दैट आई फाइंड बेटर, एंड दैट इज आप यूट्यूब पे अपनी लाइव स्ट्रीम सेटअप करो एंड वहां से आपको आपकी स्ट्रीम की मिलेगी। जस्ट टेक दैट स्ट्रीम की, कम बैक टू योर स्ट्रीम, क्लिक ऑन माई चैनल, एड कस्टम आरटीएमपी, यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब का, एंड सीधा अपनी स्ट्रीम की यहां पे डाल दीजिए। यू डोंट नीड टू एड योर आईडी और पासवर्ड, क्लिक ऑन सेव एंड यू कैन स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। तो अब अगर आपको भी मन कर रहा है टू स्टार्ट योर YouTube लाइव स्ट्रीमिंग जर्नी, चेक आउट प्रिज्म लाइव स्टूडियो यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। साथ साथ में चेक आउट दिस वीडियो इफ यू वांट 5x मोर वॉच टाइम ऑन योर YouTube वीडियोस, एंड चेक आउट दिस वीडियो इफ यू वांट अमेजिंग 10 ट्रैक्स फ्रॉम द YouTube ऑडियो लाइब्रेरी दैट एक्चुअली साउंड गुड और आपकी वीडियो में अच्छे लगेंगे। उसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।